नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के संदर्भ में अलग अलग टेक्निकल टर्म्स इनकम टैक्स एक्ट में यूज की जाती हैं। उनमें दो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, रिवाइज्ड आईटीआर एंड अपडेटेड आईटीआर। क्योंकि इन दिनों जब असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आईटीआर फाइलिंग करने की डेट खत्म हो गई, तो बहुत से लोगों के सामने ये प्रश्न आया, पर्टिकुलरली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग की वजह से जो सीपीसी की ओर से मैसेज आ जाए, करदाताओं में प्रश्न उठा कि हमें क्या अपडेटेड रिटर्न भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके समक्ष रिवाइज्ड आईटीआर एवं अपडेटेड आईटीआर में क्या डिफरेंस है वो समझाने की, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ये बात रखने की कोशिश करता हूं कि रिवाइज रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए, व्हेन टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न, या किसे रिवाइज रिटर्न फाइल करनी चाहिए। When there is an omission or wrong statement in the original ITR, बड़े ध्यान से समझिएगा सर, कि आपने एक original return भरी, से time limit में भरी या belated भरी, और अब आपको लगता है कि मेरी return में कोई particular income बताने से छूट गई, या मैंने कोई particular deduction गलत ले लिया, या पूरा amount उसका नहीं claim किया। तो if you feel that there is an omission or wrong statement in the original return which you have filed, whether it was filed in time or it was filed by belated manner, आप दोनों ही परिस्थिति में अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि रिवाइज रिटर्न में भी फाइल टू इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल इनकम, यानी आप अपनी टोटल इनकम को इससे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और इक्विवेलेंट लेवल पर भी रख सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक रिवाइज रिटर्न फाइल करके दोस्तों कोई करदाता रिफंड भी ले सकता है, और हो सकता है वो और एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी पे करने को राजी हो, या वो अपने लॉसेस की अमाउंट को बढ़ा ले या घटा ले। तो रिवाइज रिटर्न एक बहुआयामी तरीका है। बहुआयामी तरीका मैं इसलिए बोल सकता हूं, इससे आप दोनों साइड जा सकते हैं। आपकी जो ओरिजिनल आईटीआर में आपने इनकम बढ़ाई थी, बताई थी, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और आप उसको घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिवाइज रिटर्न का एक प्रारूप मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि जब आपको लगता है आपके ओरिजिनल रिटर्न में कोई ओमिशन है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप एक रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि अपडेटेड रिटर्न कब भरनी चाहिए, व्हेन टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न, टू रिपोर्ट इनकम विच इज नॉट रिपोर्टेड बाय फाइलिंग ऑफ आईटीआर और शॉर्ट रिपोर्टेड एंड टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिवाइज आईटीआर हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। यानी जहां तक संभव हो, किसी भी करदाता को ये कोशिश करनी चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी टाइम लिमिट में, दी गई लॉ की टाइम लिमिट में अपनी रिटर्न भर ले। मान लीजिए वो टाइम लिमिट निकल गई, तो फिर वो एक बिलेटेड रिटर्न भर ले। और जहां पर असेसी ने ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरी, या एक बिलेटेड रिटर्न भी नहीं भरी, और असेसी को लगता है कि उनकी इनकम ही रिपोर्ट नहीं हुई आईटीआर के रूप में, जबकि उनके पास में टैक्सेबल इनकम थी, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों करदाता को अपडेटेड रिटर्न के बारे में विचार करना चाहिए, प्रोवाइडेड टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की डेट थी से 31 जुलाई 2022, ये डेट निकल गई। फिर एक लास्ट डेट आई बिलेटेड रिटर्न की, वो आई दोस्तों 31 दिसंबर 2022, वो भी निकल गई। अब अगर करदाता को ये लगता है कि साहब मेरी इनकम ही नहीं रिपोर्ट हुई, जबकि मेरे पास टैक्सेबल इनकम थी, मुझे टैक्स देना था, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि एसएससी के ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड रिटर्न भरने के रास्ते बंद हो गए, तो एसएससी को क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि लेट मी फाइल अपडेटेड रिटर्न, एक तरीका। दूसरी बात यह दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति ने एक ओरिजिनल आईटीआर भर दी या एक रिवाइज आईटीआर भर दी, और इन दोनों के अंदर भी इनकम का फिगर सही नहीं रिपोर्ट हुआ, और रिवाइज रिटर्न भरने की लास्ट डेट भी मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 की 31 दिसंबर 2022 को एक्सपायर हो गई, और एसएससी को लगता है कि साहब मेरी इनकम तो कम रिपोर्ट हुई है, इनकम मेरे पास ज्यादा थी, टैक्स मुझे और देना है, तो फिर एसएससी को किधर मूव करना पड़ेगा, अपडेटेड रिटर्न में। और अपडेटेड रिटर्न को जो सबसे मुख्य बेनिफिट मेरी ओपिनियन में है दोस्तों, वो है टू सेव द पेनल्टी एज वेल एज कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट ऑन द इनकम ऑफर्ड इन द आईटीआर। तो जब आप अपनी अपडेटेड रिटर्न भर देंगे, तो इस बात की संभावना बिल्कुल नगण्य रह जाएगी कि आप पर सेक्शन 270A में जो पेनल्टी लगती है, जो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट या 200% ऑफ टैक्स अमाउंट भी हो सकती है, वो पेनल्टी आपकी निश्चित रूप से बचेगी। और दोस्तों, जो सेक्शन 234B में इंटरेस्ट का मीटर होता है, जो कंटिन्यूअस नेचर का होता है, जिस दिन आप अपडेटेड रिटर्न भर देंगे, उस दिन वो इंटरेस्ट का मीटर भी रुक जाएगा। तो अपडेटेड रिटर्न कब भरनी चाहिए,
प्राइमा फेसा, जब आपकी ओरिजिनल रिटर्न भरने की उसके बाद बी लेटर रिटर्न भरने की टाइम लिमिट खत्म हो जाए और आपको लगता है मेरे पास टैक्सेबल इनकम थी, तो आप अपडेटेड आईटीआर भरने का विचार अवश्य करें। अब अपनी बात को एक कंपेरेटिव तरीके से आपके समक्ष रखने के लिए दोस्तों, मैं यहां पर लिए चलता हूं आपको एक टेबल के फॉर्मेट में, ताकि आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर पाएं कि मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए किसी व्यक्ति को रिवाइज आईटीआर भरनी है या अपडेटेड आईटीआर भरनी है, तो आपको वन टू वन एक डिफरेंस क्रिएटेड मिले कि कब वो व्यक्ति, कब वो असेसी रिवाइज आईटीआर भर सकता है। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए रिवाइज रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2022, जबकि अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च 2025 तक भी भरी जा सकती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट व्यवस्था है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इस डेट तक भी अपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। क्या इस आईटीआर यानी रिवाइज आईटीआर को भरने के लिए पहले से एक आईटीआर होना जरूरी है? बिल्कुल सर, रिवाइज आईटीआर तभी भरी जा सकती है जब एक ओरिजिनल आईटीआर थी, लेकिन दोस्तों अपडेटेड रिटर्न के लिए ओरिजिनल रिटर्न जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने एक ओरिजिनल रिटर्न टाइमली अपडेटेड बी लेटेड भरी और अब आपको लग रहा है मुझे एक अपडेटेड रिटर्न भरनी है, आप अपडेटेड रिटर्न दोनों ही सूरत में भर सकते हैं, चाहे पहले रिटर्न भरी अथवा नहीं भरी। क्या ऐसी रिटर्न जो रिवाइज होगी अपडेटेड होगी उसमें आपको सेक्शन 234F की फीस भी देनी पड़ सकती है? यदि आपके ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल्ड है और अब आप उसे रिवाइज कर रहे हैं तो आपको कोई 234F सेक्शन में एक्स्ट्रा फीस देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड थी और अब आप उसी को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको 234F की फीस सेम अमाउंट की या हाई अमाउंट की देनी पड़ सकती है। परंतु सर, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न तो निश्चित रूप से ड्यू डेट निकलने के बाद और विद टैक्स अमाउंट जा रही है, तो इसमें सेक्शन 234F की फीस एप्लीकेबल होगी। वेदर इट अट्रैक्ट्स एनी एडिशनल टैक्स, ये दोस्तों एडिशनल टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपडेटेड रिटर्न में यह कहा गया कि अगर आप अप टू वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% अमाउंट आपको एडिशनल टैक्स के रूप में देना है, और यदि आप आफ्टर वन ईयर बट अप टू टू ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 50% हिस्सा एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों रिवाइज रिटर्न भरते समय आपको कोई एडिशनल टैक्स नाम की चीज देने की जरूरत नहीं है, जो आपकी इनकम पर नॉर्मल टैक्स प्लस इंटरेस्ट बनता है वो देना। वेदर एनहांस रिफंड और लॉस मे बी क्लेम, देखिए क्या होता है दोस्तों, जब आप ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं और आपको लगता है मैंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड कम क्लेम किया, मुझे ज्यादा लेना था, या मैंने लॉस कम ऑफर किया, मुझे ज्यादा करना है उनको, तो आप एक रिवाइज आईटीआर में अपने रिफंड को भी बढ़वा सकते हैं और लॉसेस भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपडेटेड आईटीआर तो केवल टैक्स देने के लिए बनी है, इसलिए वहां पर इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आपका रिफंड बढ़ जाए या आपके लॉसेस की अमाउंट को फर्दर बढ़ाया जा सके। हाउ मेनी टाइम्स इट मे बी फाइल, दोस्तों रिवाइज रिटर्न भरने के लिए कोई संख्या में लिमिट नहीं है कि कितनी बार आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं। जब जब आपको अपनी ओरिजिनल रिटर्न में ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट मिले, आप रिटर्न को रिवाइज करते जाइए। लेकिन अपडेटेड आईटीआर केवल एक ही बार भरी जा सकती है, उसे दोबारा फाइल नहीं किया जा सकता। सो आई होप ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने में और कारगर सिद्ध होगा। अंत में दोस्तों मैं ये बात अवश्य जोड़ना चाहूंगा कि अपडेटेड रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जिनकी टैक्स लायबिलिटी अनपेड रह गई या शॉर्ट पेड रह गई और उन्हें लगता है कि कहीं मेरे पर इस शॉर्ट पेमेंट या अनपेमेंट की वजह से पेनल्टी ना लग जाए। तो आप अपनी पेनल्टी बचा सकते हैं बाय वे ऑफ फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। सो आई होप रिवाइज रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न का एक कंपैरिजन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।